हैं तो 5,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगा। आप उसके हिसाब से एज स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर में आप जाते हैं तो कोई भी कंपनी, अगर आप रेंटल में जाते हैं तो 110 to 130 के बीच में आप पर आवर का ले सकते हैं। अगर किसी कंपनी में जाते हैं तो मिनिमम जो है 5,000 प्लस ही आपको सैलरी मिलेगा। और इंस्पेक्टर में भी आप जाएंगे तो 6,000 5,000 ये जो मिनिमम आपको बेसिक सैलरी मिलेगा। प्लस इसके अलावा आपका ओवर टाइम भी होता है और बाकी चीज़ें भी, अलाउंस भी होता है जो कंपनी अलग अलग कंपनियों जो प्रोवाइड्स करती है। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में हैं। इसके अलावा क्या है कि आप पास कैसे करें, देखिए सबसे पहले क्या है कि अरामको में एंट्री लेने के लिए क्या है, जैसे स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर मिनिमम जो है स्कैफोल्डिंग में 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो आपके पास टीओबी कार्ड्स होना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि अगर आप स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर में आप स्कोप में एंटर करते हैं तो उसके अलावा आपको सबसे जो मेन चीज़ें क्या है कि आपको स्केड्यूल लेना, अगर आप किसी स्कैफोल्डिंग कंपनी में हैं तो आप स्केड्यूल इजीली मिल सकता है और आपको इजीली ये अगर आप बाहर से स्केड्यूल लेते हैं तो 25 to 30 thousand के अप्रोक्स में खर्चा होता है उसमें स्केड्यूल लेने से। तो वहाँ पे आप स्केड्यूल जाके ले सकते हैं। तो उसमें क्या है, तो सुपरवाइजर इंस्पेक्टर में दो एग्ज़ाम होते हैं, एक हमारा कंप्यूटर टेस्ट होता है, दूसरा हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट। जब आप कंप्यूटर टेस्ट पास करेंगे उसके बाद आपका परफॉर्मेंस टेस्ट आएगा। कंप्यूटर टेस्ट में क्या है कि कंप्यूटर टेस्ट में कम से कम जो है आपको 80% जो है मिनिमम जो है 80% मार्क्स होना चाहिए, 100 में से 80% मार्क्स होना चाहिए। 80% से 100 100 80% आपका मार्क्स होना चाहिए 100 में से। वहीं पे जब आपका कंप्यूटर क्लियर हो जाता है तो फिर उसके बाद में कंप्यूटर क्लियर हो जाता है तो फिर उसके बाद में जब आपका परफॉर्मेंस टेस्ट आता है तो परफॉर्मेंस टेस्ट में दो स्कैफोल्डिंग के जो पॉसिबल फॉल्ट है वो मेंशन करने होते हैं। दो स्कैफोल्डिंग के पॉसिबल फॉल्ट कैसे, आपका जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे आपको ट्रेनिंग सेंटर में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको दो स्कैफोल्डिंग असाइन करेगा, एक अंडर हंग स्कैफोल्डिंग होगा और एक आपका टावर या इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग आपको असाइन किया जाएगा। दोनों के फॉल्ट लिखने होते हैं और उसमें जो होता है 100% जो है मार्क्स चाहिए होता है, उसमें 60 80% का कोई नहीं है, वहाँ पे आपको 100% ही मार्क्स चाहिए, इससे कम में आपको अलाउ नहीं, आप पास नहीं है। उसमें प्रैक्टिकल में आपको 100% चाहिए। और उसमें क्या होता है कि उसमें जो मेन होते हैं ना, मोस्टली जो 5 मेजर फॉल्ट्स होते हैं कोई भी इसका फोल्डिंग में, उनके 5 मेजर फॉल्ट्स होते हैं उन्हें हमें मेंशन करना होता है। और जो हमारा माइनर फॉल्ट होता है, माइनर फॉल्ट अलाउड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेजर फॉल्ट ही हमारा अलाउड है। मैं आप माइनर फॉल्ट लिखेंगे तो आपको उसमें मार्किंग नहीं मिलेगा और उसमें मेजर फॉल्ट्स को ही आपको मार्किंग मिलेगी। इसलिए तो वहाँ पे जो है 5 मेजर फॉल्ट लिखने होते हैं अंडर हंग के भी और टावर्स के भी। और स्कोप के बात करें तो ऑलरेडी मैं आपको बता दिया कि इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर इंस्पेक्टर जो है मार्केट में बहुत अच्छा डिमांड है हर कंपनी में, कि कोई भी अरामको में कंपनी काम कर रही है इसका फोल्डिंग में उसे इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर चाहिए, हर जॉब के लिए इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर चाहिए। तो मार्केट में इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर का बहुत ही अच्छा स्कोप है, वहाँ पर इजिली आप जो है 10 to 15 thousand, अगर किसी कंपनी में भी आप काम करते हैं तो 10 to 15 thousand आप सैलरी जो है ले सकते हैं। अगर आप रेंटल में भी बाहर में एज अ रेंट में आप काम करते हैं तो 110 to 130 तक आप इजीली जो है पर आवर के हिसाब से आप ले सकते हैं। जाकिर भाई ऑलरेडी जाकिर भाई आप अपना कमेंट में जरा फिर से दोबारा दे, मेरे को मिला नहीं है लगता है, आप एक बार फिर से अपना ईमेल आईडी मेरे को मैसेज करें आप। किसी भी भाई का अगर कोई भी इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर या इंस्पेक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कैसे परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, कैसे स्केड्यूल होता है, कैसे क्या क्या प्रोसेस है, उस अगर किसी को जानना है तो मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। किसी भी भाई का कोई भी इसका फोल्डिंग सुपरवाइजर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं भाई। रिजवान भाई आपने कब किया कांटेक्ट किया था मुझे, आप मेरे को अपना व्हाट्सएप नंबर मेरे को कमेंट्स करें, नहीं तो आप मुझे मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप पे। जाकिर भाई आप कमेंट में मेंशन करें, मेरे को मिला नहीं है मैम।